नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवा होम्स में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 1 BHK के दाम में 2 BHK का फ्लैट, वो भी विद कार पार्किंग। यह जो हमारा फ्लैट है उत्तम नगर वेस्ट से 1 किलोमीटर की दूरी पे नन्हे पार्क में बना हुआ है, जो कि प्रॉपर्टी हमारी 100 गज की है। 50 गज हमने फ्रंट साइड बना रखा है, 50 गज बैक साइड में। इसमें हमारे पास केवल एक ही फ्लोर बचा हुआ है, सेकेंड फ्लोर बैक साइड, जो कि हम आपको दे रहे हैं विद कार पार्किंग। इसमें हम आपको दे रहे हैं बिजली का कनेक्शन, सीवर का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन। इसके जो सामने रोड बना हुआ है, हमारा 25 फुट का रोड बना हुआ है। यहाँ से जो मार्केट है आपकी, चुक्कर बाज़ार मार्केट नियर लगती है। यहाँ से जो मेट्रो स्टेशन लगता है वो उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन लगता है। यहाँ पे नज़दीक में ही आपके हॉस्पिटल है, यहाँ हमारे नज़दीक में ही गगन भारती स्कूल पड़ता है। यहाँ से द्वारका की बात करूँ तो हमारे यहाँ से द्वारका मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारा बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए हम चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। चुके हम अपने 2 BHK फ्लैट पर। सबसे पहले मैं आपको फ्लैट की एंट्रेंस दिखा देता हूं। ये फ्लैट की एंट्रेंस है, जिसकी लंबाई 8 फुट है और चौड़ाई इसकी 3.5 फुट है। सामने ये आपका स्टेयर्स का एरिया है और इसमें हम एक काम और करवा कर दे रहे हैं आपको। ये गेट 2-in-1 है, जिसमें आपका लकड़ी का काम भी हो रखा है, साथ में ही आपको लोहे का गेट भी इसी में ऐड मिल रहा है। तो फ्लैट के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले हमारा हॉल आता है। हॉल में आपको ये फ्रंट में एक LED पैनल दे रखा है और इसी के साथ लेफ्ट हैंड पे ये कस्टमाइज वॉलपेपर, जो कि 3D पैटर्न में है। हॉल का आप साइज देख सकते हैं, नीचे आपकी 2x2 की डिजिटल टाइल लगी हुई है और साथ में ही ऊपर ये आपका 4 सीलिंग का हैवी वर्क हो रखा है CNC कटिंग के साथ। हॉल में हम आपको एक इंटरकॉम भी लगा के दे रहे हैं, जो आपका गेट यहीं से ही ओपन हो जाएगा। हॉल के साथ ही अटैच आपको कॉमन वॉशरूम दे रखा है, ये कॉमन वॉशरूम है इसका, स्पेस आप देख सकते हैं कॉमन वॉशरूम का। इसमें आपको स्टील रूफ तक टाइल दे रखी है, साथ में ही वेंटिलेशन के लिए वहां एक इंटरनल फिटिंग है, जहां आप अपना एक छोटा एडजस्ट फिट करा सकते हैं। सैनिटरी का काम अभी इसमें बाकी है, जो अब आप इसमें बुक कराते हो उसके बाद इसमें सैनिटरी का काम होगा। इसी के साथ ये आपका फर्स्ट बेडरूम। इस बेडरूम के अंदर आपका टेक्सचर का काम हो रखा है। राइट हैंड पे एक ये अलमीरा है, जिसमें आपका स्लाइडर गेट दे रखा है। साथ ही लेफ्ट हैंड पे आपको यहाँ पर एक स्प्लिट AC की फिटिंग दे रखी है। इस रूम की वेंटिलेशन की बात करें तो वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको एक विंडो दिया है, जो आपकी स्टेयर्स में ओपन है और इसका 4 सीलिंग वर्क आप देख सकते हैं। टेक्सचर के साथ कोब लाइट लगा रखी है हमने।
तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। अब चलते हैं हम किचन की तरफ। ये अपना किचन है, इसमें रेड और वाइट कलर का सनमाइका यूज्ड है। किचन के अंदर आपको एक विंडो दिया है जो कि आपकी बालकनी में ओपन हो रही है, मतलब वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है किचन में। और यहाँ आप अपना एक छोटा एडजस्ट लगवा सकते हैं। लेफ्ट हैंड पर आप देख सकते हैं एक छोटा शेल्फ भी बना हुआ है किचन में वुडन के साथ ही। तो ये था अपना किचन। अब चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम। बेडरूम के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले आपको एक टेक्सचर का वर्क दिखेगा बहुत ही प्यारा। इस पूरे रूम के अंदर आपको वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये रूम आपका बालकनी से अटैच है। साथ ही सनलाइट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बॉक्स दे रखे हैं ग्लास के। और यहाँ आप अपना एक विंडो एसी अपना लगा सकते हैं 1 से 1.5 टन तक का। और ये आपको MCB भी दे रखा है यहाँ पर। रूम के अंदर का फोर सीलिंग वर्क भी आप देख सकते हैं। तो ये था अपना सेकंड बेडरूम। अब आते हैं बालकनी की तरफ। बालकनी में यहाँ पर आपको वॉशिंग एरिया दे रखा है, टैप और शॉकेट दोनों आपका लगेगा। और ये रही आपकी बालकनी। ये बैक साइड का फ्लैट है तो इसमें आपके पीछे 10 से 12 फुट की गली लगती है। दोस्तों ये था हमारा 2 BHK का फ्लैट। आपको कैसा लगा और इस फ्लैट के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पूरी जानकारी दी हुई है। आपको इस साइट की विजिट करनी है तो हमारा स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है इस पे आप 10 बजे से लेके शाम 7 बजे तक अपनी साइट विजिट बुक करा सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।